हाय दोस्तों, मैं हूँ विशाल। इलेट म्यूज़िक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए जो मैंने गाना लाया है टाइटैनिक का, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए जो है लीवर वाले माउथ ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल टावर की। तो दो तीन बार बस लीवर आपको प्रेस करना है ताकि फ्लैट जो सुर है वो लगे, कोमल सुर। बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। गाने का जो नोटेशन है वो स्क्रीन पर आपको पूरा मैंने दे दिया है, तो आपको उसको फॉलो करना है। और जो नए व्यूवर्स है सारेगामा, जिनको आता नहीं, तो उनके लिए जो सारेगामा का मेरा वीडियो है चैनल पर, वो आप एक बार देख लो। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सात अल्फ़ाबेट होते हैं म्यूज़िक में, आप जानते हैं, सारेगामा पधनी, बस उतना ही आपको सीखना है। वो आ गया तो आप कोई भी गाना जो है वो सॉन्ग प्ले कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर दोस्तों गाने का जो नोटेशन है, एक बार मैं आपको कुछ गड़बड़ हो रही है आपसे, तो वो दुरुस्त करने के लिए मैंने बस आगे इसको कंटिन्यू किया। बाकी जो है गाने के साथ नोटेशन तो आ चुके थे। मैंने बस आपके कुछ अगर प्रॉब्लम जनरेट होते हैं तो उनको अभी मैं उसको क्योर कर देता हूँ। तो नोटेशन जो है आप रीड कर लो एक बार स्क्रीन पर, जैसे कि वैसे। जो म्यूज़िक वन है, पार्ट वन, जिसको हम रोज़ थीम कहते हैं, रोज़ की थीम है। तो रोज़ की थीम में जो फ्लूट बजती है, वो जो थीम है, तो उसमें आप देखिए नोटेशन आपके सामने, बस जो ध के नीचे डॉट और म के नीचे डॉट है उसको हम यहाँ पर क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो सारेगम आपको पता है, जस्ट ध के नीचे डॉट। मैंने इसके पहले भी जानू मेरी जान के अंदर बताया, और इसके पहले पता नहीं कौन सा वीडियो मैंने डाला उसमें भी बताया था। ध के नीचे डॉट अक्सर आता है, नी के नीचे डॉट बहुत ज़रूरी है करना दोस्तों। तो ध के नीचे डॉट का मीनिंग क्या हुआ? सारेगामा पधनी तो आपको आ गया है। अब ध के नीचे डॉट मतलब सा के पहले वाला, जो सारेगामा का पट्टा होता है एक, उसके भी पीछे सारेगामा ही होगा। तो उसके पीछे जो सारेगामा है, जिसको हम लोअर ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है, मंद्र सप्तक, उसमें से जो नी और ध हमको लेना है, तो सा के पीछे आने वाला है, ठीक है। आठ नंबर पे आपको जाके ड्रॉ करना है, मतलब सक करना है। तो वो हो गया आपका जो नी है, और उसके पीछे और एक स्टेप, आप विंडो टू विंडो जाते हैं तो ध आएगा। तो विंडो में ही जाके ब्लो करने की ज़रूरत नहीं है हवा को, आप थोड़ा इधर उधर भी होता है, जैसे मैंने बताया कॉर्ड के साथ आपको खेलना है, मतलब थोड़ा मुंह आपका बड़ा भी हुआ तो चलेगा, लिप्पर सिंह की हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो हो गया। अब प के नीचे डॉट भी आ चुका है, मैंने ये भी सिखाया था प के नीचे डॉट आपको। सा जो है, अब सा के बाद मैंने नी बजाया, पीछे गया मैं, सा के पहले नी, ध, ये प है, तो ये कॉर्ड में बजेगा, मतलब मज़ा आता है बहुत बजाने में। प पे डॉट, प के नीचे डॉट। तो ये फर्स्ट जो विंडोज़ है, फर्स्ट पहले के बीच वाले तीन, मतलब दूसरा तीसरा चौथा विंडो, उसमें जाके आपको इस तरह से ब्लो करना है, बहुत गजब का प लग जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। देन आपका बाकी सब इजी है, सारे ग वगैरह वगैरह सब सारा नोटेशन क्लियर है। सिर्फ आपको डॉट वाला सा पता होना चाहिए, सारेगा प ध नी सा। तो आखिरी वाला सा, जहाँ हमारा सा खत्म होता है उसके ऊपर होता है डॉट, सा के ऊपर डॉट, ठीक है। अब और तो कुछ नया ही नहीं इसमें, रोज थीम में सब कुछ इजी इजी है। बस अब डायरेक्टली गाना आपका चालू होगा। तो गाने में, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू, गाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको कुछ भी करना नहीं है, लीवर की भी ज़रूरत नहीं है, सब सिंपल था अब तक, जो भी चल रहा था वो एकदम सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है कि यहाँ से गाना जो स्टार्ट हुआ, देन आपका ख़त्म होता है नी फा वेन वे यू आर आई बिलीव दैट द हार्ट डज। तो यहाँ पर गो ऑन वंस मोर यू ओपन द डोर, ये कंटिन्यू चल रहा है, बहुत इजी है। तो इस तरह से चल रहा है। बाद में लास्ट आपका आएगा माई हार्ट विल गो ऑन, यहाँ पर स्टांजा खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये इसे हम अंतरा कहते हैं। तो अंतरा, फर्स्ट अंतरा जो है वो खत्म हो जाएगा। सेकंड जो अंतरा है इस गाने का, वो भी मैंने दे दिया है, वो कंटिन्यू करना है। मतलब आपको एक अगर आ गया एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स से लेकर माई हार्ट विल गो ऑन तक, जगह पूरा आ गया
तो आपको वही फिर से दोहराना है जो कि मैंने दोहराए हैं, तो दोहराएंगे लेकिन लिरिक ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, लिरिक वो हो गए, सेम पूरा स्टांजा आपको दोहराना है, बस इतना ही करना है, समझ गए आप। तो यहाँ पर आपका गाना जो है ख़त्म हो जाएगा। अब आता है थर्ड, मैंने जो पार्ट आपको यहाँ पर प्ले करके किया है वो एक्सटर्नल पार्ट है, आपको चाहे तो करो, उसमें लीवर की ज़रूरत है, अगर अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा होगा तो। वो एक अलग ही धुन है जो बैक पाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, आपको पता होगा बैक पाइप, उसके ऊपर वो प्ले किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, तो मतलब स्कॉटिश इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा तो स्कॉटिश धुन बहुत अच्छी लगती है मन को, तो उसे हम हिम टू सी कहते हैं, हिम टू सी मतलब समंदर का एक तरीका, एक अलग ही गीत है वो, तो उसका नोटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको लर्न नहीं हो पाएगा जल्दी से। सारे ग प मग रे सा नी सा प, सारे ग प ध नी ध प प सा, इस तरह की खतरनाक धुन है। तो इसमें आपको नी कोमल पहली बार आया, ठीक है, बाकी तो आपको पता है, डॉट वाला पाव, डॉट वाला नी, आप मैंने सिखा दिया अभी। अंडरलाइन नी क्या चीज़ है, अंडरलाइन नी बस आपको करना है कि जहाँ हम नी बजाते हैं दोस्तों, ठीक है, जहाँ हम नी बजाते हैं वहीं पर नी वैसे ही बजाना है, बस आपको लीवर प्रेस करना है, लीवर मतलब देखो, देखा आपने मैंने क्या किया यहाँ पर, अब ध्यान देना, नहीं वैसी बजाय लीवर दबा के मैंने वही क्रिया करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो अंडरलाइन, तो प धनी धम पसा, उसके बाद मतलब एक ही सुर कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सिंपल ही है, एक जो सुर है वो ग के नीचे अंडरलाइन और डॉट आया है, आप देख रहे होंगे, तो ग के नीचे अंडरलाइन डॉट जो है वो है, बहुत ऊंचा गाना है, आपको सा पे डॉट रे पे डॉट ये पता होना चाहिए, तो सा मतलब सारे गाँव पता नहीं, सा खत्म होने के बाद सा पे डॉट, ये सा पे डॉट रे पे डॉट ये ग पे डॉट, बहुत ऊंचा, मतलब वही करना है सेम जो, लेकिन विंडो बदल जाएगी, लेकिन क्रिया वही है कि अप डाउन की, ठीक है, मतलब कहाँ हमको ब्लो करना है, कहाँ हमको ड्रॉ करना है, कहाँ ब्लो करना है, कहाँ ड्रॉ करना है, मतलब सक करना है, तो वो वाला सुर लेना है हमको, ग डॉट वाला, ठीक है, ये वाला सुर लगना चाहिए ऊपर का, थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये गाना इस तरह से हो जाता है ख़त्म, और कुछ मुश्किल है नहीं, तो हेम टू सी चाहे तो आप प्ले करो, चाहे तो इसको स्किप भी करो, पहले बाकी जो इजी गाना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिलचस्प गाने के साथ, डिस्पासी तो भी रह गया है, और भी बहुत सारे गाने हैं, मैं रहूँ या ना रहूँ, बहुत सारे गाने हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, ठीक है, उसका पूरा लेसन हम देते जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, बाय।